हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू ड्रीम डोज। होपफुली आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे। ठीक है, पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी लाइफ में चल रहा है डेट्स ए सेकेंडरी पार्ट, पढ़ना इज द प्राइमरी। स्टडी जो है हमेशा प्रायोरिटी होना चाहिए और वो हमेशा टॉप पे होना चाहिए। ठीक है, आज मैं आपका अगेन हार्डली मैं आपका 5 से 10 मिनट लूँगा और आज मैं आपका एक नंबर कन्फर्म कराऊँगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे जो टॉपिक है मैंने ऑलरेडी करवा दिए, जीके ट्रिक जैसे कि डेम हो गया एंड डिफरेंट टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नीचे लिंक है, आप वो कर लीजिएगा। आज जो हम लोग याद करेंगे ट्रिक के साथ विथ प्रॉपर निमोनिक्स याद करने वाले हैं। ठीक है, ताकि अगर आप एक बार पढ़ लो तो फिर आपको हार्डली एक से दो बार और पढ़ना पड़े एग्जाम के पहले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रटना है और फिर एक दिन के बाद भूल जाना है। ठीक है, तो निमोनिक्स का आपका माल देखने जाओगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है महाजनपदों की राजधानियां, महाजनपद एंड देयर कैपिटल्स, और एक नंबर हो जाएगा आपका कंफर्म। चलो, तो टोटल 16 महाजनपद है, आपको ये पता होना चाहिए पहले। ठीक है, 16 महाजनपद। तो पहला एक क्वेश्चन आता है कि जो 16 महाजनपद है, ठीक है, अभी ध्यान से सुन लोगे, किस बुक में मेंशन है। तो एक होता है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, याद रखिएगा ये नाम, अंगुत्तर निकाय। ये एक बुद्ध ग्रंथ था, मतलब बुद्धिज्म का एक ग्रंथ था। ठीक है, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया था। तो आपको बोले कि 16 महाजनपद जो है वो किस बुक में बताया गया, उसका विवरण जो है किस बुक में है, तो आपको याद रखना है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन है कि अब याद रखिए, अब हम लोग याद करने वाले, अब ध्यान से सुनोगे, माइंड पूरा का पूरा क्लियर करके रखोगे, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान देना। ठीक है, देखो मल्ला, ठीक है, तो मल्ला जो जनपद था उसका जो राजधानी था वो था कुशावती। देखो आप होपफुली आप समझ रहे हो कि महाजनपद है क्या। देखो जैसे कि अभी हमारा कितना स्टेट है, 28 स्टेट है। ठीक है, तो उसी तरीके से मान लो कि पूरा जो भारत था पहले वो 16 स्टेट में बटा हुआ था, जिसको हम लोग महाजनपद बोलते, राइट। चलो, तो मल्ला जनपद का जो था आपका जो कैपिटल था वो था आपका कुशावती। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो आप सबको पता है एक होता है मल्ला पहलवान। ठीक है, जो मल्ला पहलवान होता है वो अगर क्या खेलता है, वो कुश्ती खेलते, तो मल्ला पहलवान तो आपने सुना है। तो जब भी आप मल्ला देखोगे आपको दिमाग में आएगा कुश्ती, क्योंकि आपने मल्ला पहलवान के बारे में सुना था जो कि बहुत ही दमदार था। तो मल्ला पहलवान कुश्ती खेलता है और ये हो गया आपके दिमाग में ड्रिल। अब देखो अंग का जो था ये था आपका चंपा। क्या है आपका अंग का है आपका चंपा। देखो तो आप कैसे याद रखोगे, अंग का हो गया आपका चंपा, तो आंगन में चंपा नाची, तो आपको यह अंग से आंगन और चंपा से चंपा। ठीक है, तो आंगन में कौन नाचा, तो चंपा। ठीक है, सो होपफुली ये भी आपको दिमाग में याद हो गया होगा कि अंग बोलेगा तो जैसे बोलोगे तो चंपा, क्योंकि आंगन में कौन नाची, तो चंपा नाची। ठीक है, अब देखो अवंती का है उज्जैन और महेश्मति। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो तो अवंती को मैं कनेक्ट करूंगा उन्नति से, क्या से, उन्नति से। तो अब जब उन्नति करोगे तो डेफिनेटली आपका भविष्य क्या होगा, उज्जवल होगा और आप क्या बनोगे, एक महान आदमी बनोगे। तो जैसे ही आप उन्नति करोगे आपका भविष्य क्या होगा, उज्जवल होगा और आप क्या बनोगे, एक महान आदमी बनोगे। तो उज्जवल से उज्जैन और महान आदमी से महेश्मति, ये सिंपल सी बात है ना। अब अवंती उन्नति, अवंती मतलब अवंती आप समझोगे, नेक्स्ट टाइम जब देखोगे तो आपके दिमाग में डायरेक्टली दिमाग में आएगा, आंख बंद करो, डायरेक्टली दिमाग अवंती उन्नति। उन्नति कब होगा, ठीक है, उन्नति कब होगा, जब भविष्य अगर आपका उज्जवल है, ठीक है, तो उन्नति तो हो गई, ठीक है, और आप क्या बन जाओगे, महान आदमी बन जाओगे। ठीक है, आपका दिमाग में पूरा ये ड्रिल हो रहा है, ठीक है, यू नो नीड टू वरी। ठीक है, आपके दिमाग में एकदम ड्रिल कर रहा हूँ मैं। कुरु, ठीक है, कुरु का था इंद्रप्रस्थ। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो इंद्रप्रस्थ से मैं लूंगा इंद्र भगवान, ठीक है, और कुरु से लूंगा मैं कुरूर जो राक्षस होते थे। आप जब भी आप देखते होंगे जितने भी राक्षस होते थे वो क्या करते थे, शिव भगवान का पूजा करते थे, उनको खुश करते थे, फिर वरदान ले लेते थे, और वो कुरूर राक्षस किस पे सबसे पहले अटैक करते थे, तो वो जो अटैक करते थे इंद्र पे करते थे। आपने जितना भी माइथोलॉजिकल सीरीज अगर आपने देखा है तो आपके दिमाग में पूरा होगा, ठीक है, माइथोलॉजिकल मतलब जो पहले जमाने में जो चलता था ना सीरियल वाले उसी को, तो माइथोलॉजिकल सीरीज आपने जितना भी देखा उसमें आपने देखा होगा कि कुरूर राक्षस किस पे अटैक करते थे, तो इंद्रा पे करते, तो इंद्रप्रस्थ। ठीक है, हार्डली मैं 8 मिनट लूंगा, आपका एक नंबर कंफर्म करवा दूंगा। और इस बार भी पीटी में आई थिंक पूछा गया था आपका बिहार का पीटी में, बट ये जो सीरीज है आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, एनीथिंग, जहां जीके पूछा जाता है हर एक एग्जाम में आपके लिए ये रामबाण का कोर्स रहेगा, मतलब पूरा जो कोर्स चल रहा है। तो पहले वाले वीडियोस जरूर देख ले, ठीक है, और लाइक और कमेंट और एक शेयर जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं इतना अपना टाइम और जो मैं अपना मेहनत लगा रहा हूँ वो आप तक पहुँच पा रहा है। ठीक है, लोग जुड़ेंगे तो मोटिवेशन बना रहता है। अब देखो कंबोज, ठीक है, कंबोज, ठीक है, तो अगर कंबोज का है हटाक,
ठीक है। अब देखो बोझ अगर कम होगा तो आराम से हटा लोगे, ठीक है ना। अगर बोझी अगर बोझ अगर आपके सर पे कम है तो क्या होगा, हटाक। अरे हटाक, आराम से हटा लोगे तो कम बोझ का हो जाएगा आपका हटाक, ठीक है। काशी वाराणसी, पूरा पहले का नाम ही था मतलब वाराणसी का काशी, तो इसमें आई थिंक आपको कोई ट्रिक की जरूरत होगी नहीं। अब देखो अस्मक, अस्मक का है आपका पोटली, ठीक है। तो आप देखो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पोटली होगी तो आप पूरा असमंजस में होगा। मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपके पास पूरा दो तीन पोटली है, आपने ये फील भी किया होगा। मान लो आप इमेजिन करो, आंख बंद करो, इमेजिन करो आप जा रहे हो, ठीक है, दो तीन हाथ में आपका पोटली है, कैरी बैग है, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, असमंजस में पड़ जाते हो, ठीक है। तो असमंग का होगा, आप जैसे ही असमंग देखोगे आपके दिमाग में आएगा असमंजस में पड़ जाते थे, क्यों, क्योंकि आपके हाथ में बहुत पोटली थी, ठीक है। कौशल, कौशल का है श्रवस्ती। अब इसको कैसे याद होगा कि देखो हर एक बस्ती में क्या चला रहा है, कौशल विकास योजना, ठीक है, सबको पता है मोदी जी चलवा रहे हैं कौशल विकास योजना, ठीक है। तो हर एक बस्ती में क्या चला जा रहा है, कौशल विकास योजना, तो कौशल का हो जाएगा आपका श्रवस्ती, श्रवस्ती से वस्ती, कौशल से कौशल विकास योजना, हो गया आपको ये याद। गंधार, ठीक है, का इसका तक्षशिला, आप कैसे याद करोगे, मैंने आपको बोला गंधार से गाना गा, गाना गा, गंधार, गंधार आप जैसे ही देखोगे नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में क्या आएगा, गाना, तो मैंने आपको गाना गा, गाना गा था, आपने कौन सा गाना गाया, शीला, एंड आफ्टर डैट यू कैन कंटिन्यू, ठीक है, आगे आप खुद गा लेना। तो गंधार का जो है आपका वो है आपका तक्षशिला, तो मैंने बोला गंधार, गंधार जैसे ही देखोगे आपको दिमाग में आएगा गाना, और गाना जैसे ही आपके दिमाग में आ गया उसके बाद मैंने बोला आपको गाना गाओ, तो आपने कौन सा गाना गाया, शीला, शीला की, ठीक है। मत्स्य, ये शायद इस बार पीटी में आया हुआ था ना, पीटी में आया हुआ था, ठीक है, तो मतलब बिहार का जो दरोगा का एग्जाम होता है उसमें भी आया था, और एसएससी में बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, मैं एक बार सेट्स भी बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है, जब टाइम मिलेगा। तो देखो अब मत्स्य, ठीक है, मत्स्य का जो है आपका ये है आपका विराटनगर, ठीक है, तो मत्स्य का है आपका विराटनगर। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो मत्स्य, ठीक है, विराटनगर, आपने एक मछली देखा जो बहुत बड़ा था, आप जैसे ही मत्स्य आप दिमाग में आएगा, तो मैंने अब मैंने बोला ना दिमाग शांत रखोगे, ठीक है, मत्स्य, मत्स्य मछली, एक मछली देखा जो कि क्या था, वो बहुत विराट था, ठीक है, तो मत्स्य से हो जाएगा आपका विराटनगर, ठीक है, बोलो मेरे साथ मत्स्य, तो आपने क्या देखा, बहुत बड़ा मछली देखा, विराट मछली, तो विराटनगर। पांचाल, ठीक है, पांचाल, ठीक है, तो पांचाल का क्या है, कंपिल्य, ठीक है, तो पांच लोगों के एक साथ देखे बहुत लोग कांप जाते हैं, ठीक है, मान लो आपके सामने पांच एक हैवी आदमी आ गया, ठीक है, बहुत ही मतलब क्रूर आदमी आ गया, जो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं ना कि मतलब जिसको देख के आदमी का मतलब थर थर कांपने लगता है, आप चेन्नई एक्सप्रेस में देखे होंगे कुछ आदमी को बहुत ही हैवी हैवी रहते, तो आप उसको देखोगे तो क्या होगा, पांच आदमी को देखा और काम कांपने लग गया, ठीक है, और एक तरीके से इसको काम चला सकते हो, मतलब पांच रुपया में काम चला लेना, तो पांच पंचाल से पांच रुपया, काम चलाने से काम पी लिया, ठीक है, तो पांच रुपया ले आज काम चला लेना, तो मतलब पंचाल जब देखोगे तो आपके दिमाग में पांच रुपया, और पांच रुपया से काम चला लेना, काम चला लेना से काम पी लिया, तो इस तरीके से भी आप कनेक्ट कर सकते हो जाएगा, ठीक है, हो गया आपको ये दिमाग में याद। चैदी, ठीक है, तो चैदी कैसे याद देखोगे, शक्ति मती, ठीक है, तो देखो आप क्या बोलोगे, चैदी चैनल चेंज कर, चैनल चेंज कर मत दी, चैदी से चैनल मत चेंज कर दी, क्यों, क्योंकि इसमें शक्तिमान दे रहे, तो शक्तिमान से शक्तिमती, बहुत ही मस्त सीरियल होता था, आप सबने देखा भी होगा, ठीक है, तो चैदी, ठीक है, तो चैदी से होता है चैनल मत कर दी, आप अपने दी को बोले चैनल मत कर दी, क्यों, क्योंकि इसमें शक्तिमान था, चैदी आप जैसे याद करोगे तो उसमें आ जाएगा आपका शक्तिमती, ठीक है। सुरसेन, तो इसका जो था आपका मथुरा था, मतलब सुरसेन महाजनपद का जो था वो था आपका मथुरा, ठीक है, आपको इतना याद, आप कैसे याद रखोगे, सुर, सुर तो उसका बहुत मधुर है यार, तो बस हो गया आपको याद, तो सुर लगाया, और वो कैसा सुर लगाया, बहुत मधुर, तो मधुर से मथुरा, ठीक है, तो सुरसेन सुर लगाया और बहुत मधुर सुर लगाया, तो सुरसेना से आप क्या याद रखोगे, मथुरा, जैसे मैं बोलूँगा सुरसेना, सुर कैसा लगाया, तो उसने बहुत ही मधुर लगाया, तो मधुर से मथुरा, ठीक है। वत्स, ठीक है, तो वत्स को कैसे याद रखोगे, वत्स का होता है कौसाम्बी, अब इसको कैसे याद रखो, देखो तो पहले समय में, ठीक है, जैसे कि भगवान आते थे, ठीक है, वत्स बोलते थे, तो आजकल का क्या है कि कोई आएगा बोलेगा आपका मतलब जो शिक्षक जो है, ठीक है, वो क्या बोलेगा आपको, वत्स कोशिश करते रह, आपका जो लक्ष्य है वो जरूर मिलेगा, ठीक है, तो वत्स कोशिश करते रह, जैसे आप देखोगे वत्स, तो आपके दिमाग में आएगा क्या, सर ने क्या बोला था, मैंने आपको बताया था कोशिश करते रह, तो वत्स कोशिश करते रह, ठीक है, तो कौसाम्बी। वज्जी, ठीक है, वज्जी, वज्जी से आप याद रखोगे भज्जी, ठीक है,
तो भज्जी का आप सबको पता है, भज्जी किसको बोलते हैं, हरभजन सिंह को ना। तो भज्जी क्या थे, मिडिल स्टामूर आते थे सीधा, तो भज्जी से याद रखोगे मिथिला, ठीक है, भज्जी से याद रखोगे मिथिला, भज्जी से भज्जी, और भज्जी क्या करते थे, डायरेक्ट मिडिल स्टामूर आते थे, तो मिडिल से मिथिला। और ये वो है, तो इसमें डायरेक्टली कर सकते हो वज्जी, वैशाली और विदेह है, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से भी करने के सकते हो कि वज्जी से भज्जी, भज्जी मिडिल स्टाम उड़ाते थे, उनके पास ऐसा विद्या था, ठीक है, तो विदा, ठीक है, तो वज्जी से वैशाली, विदे और मिथिला, ठीक है। आपके दिमाग में पूरा ड्रिल करवा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको हार्डली 1 से 2 बार आप देख लेना इसको, और एग्जाम से पहले पूरा जो ये कोर्स होगा 14 से 15 घंटे का आपका एक कोर्स होने वाला है, ठीक है। ये आपका जो मिसिलिनियस टॉपिक जो होता है, ठीक है, एक एक चीज़ में करवा दूंगा, एग्जाम से पहले आपको बस देख के जाना है, आपका कोई भी एग्जाम है सब में ये बहुत ही रामबाण की तरह होगा। मगध, ठीक है, तो मगध, ठीक है, तो मगध का खैर आपको सबको पता होगा, ये हो गया राजगीर और गिरिब्रस, ठीक है, क्योंकि मगध के बारे में हम लोग ने बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री में, ठीक है। तो राजगीर और गिरिब्रस जो है मगध का है, ठीक है। सो ये आपका टोटल मैंने 16 कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। गाइस प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना जो मैं आपके लिए जो मेहनत ये कर रहा हूँ आप तक तो पहुँच पा रही है कि नहीं, ठीक है। ये बीच में कभी कभी स्टॉप हो जाता है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, बट अगर आपका मोटिवेशन रहा, इसको आप चीज़ों को शेयर करोगे, तो मैं ऐसा पूरा का पूरा जो 14 से 18 घंटा का कोर्स है, मैं पूरा ये जीके ट्रिक वाला जो मैंने ऑलरेडी कहीं पढ़ा रखा है, ठीक है, वो मैं आपको यूट्यूब पे भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, जस्ट मेक श्योर अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कंसीडर योरसेल्फ टू सब्सक्राइब, ताकि जो आप अपना ड्रीम जॉब है वहां तक आप इजीली पहुंच पाओ, ठीक है। सो शेयर जरूर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा सर बहुत मजा आया पढ़ने में। सो स्टडी वेल स्टडी हार्ड, अगर मैं कुछ भी अगर आपको पूछ लूँ ना यहाँ से, मान लो कि मैं पूछ लेता हूँ आपको कि आपका जो ये है, आपको कुछ भी मैं पूछ लूँ कि मान लो कि अब मैं पूछ लूँ मत्स्य का, ठीक है, तो आपने क्या देखा था, बहुत बड़ा क्या देखा था आपने, मछली देखा था, ठीक है। आपको ट्रिक एकदम दिमाग में आपको ये बैठ गया। सो थैंक यू सो मच गाइस, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, जय हिंद।